गत 7 मार्च 2022 को दिन रानीपुल स्थित हर्टिकल्चर महाविद्यालय में इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट अफ हर्टिकल्चर क्रप विषय में एक दिवसीय कार्यशाला को उद्घाटन सिक्किम सरकार को हर्टिकल्चर एंड कैश क्रप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अतिरिक्त निदेशक श्री बीएल दाहाल ने गर्नुभयो। वहां दीप प्रज्वलन करी यह कार्यशाला को विधिवत शुभारंभ गर्नुभयो। कार्यशाला में आपको स्वागत संबोधन राख्हुद हर्टिकल्चर कलेज की एसिस्टेंट प्रोफेसर दीपिका शर्मा ने इस कार्यालय को औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। On the behalf of the College of Horticulture, Bermio, I would like to welcome to everyone to our 5-day training program on improved production technology and post-harvest management of horticultural crop. So as we all know, in the recent years, there is a significant increase in the production of horticultural crop in India, and Government of India already has identified the horticultural crop as a means of diversification for horticulture as a profitable sector by utilizing optimum utilization of natural resources, efficient land use, and creating skill employment for the rural masses, especially for women. Though the production is good, but still a significant amount of fruits and vegetable production. Sikkim University ko horticulture vibhag ka pradhan Dr. Lakshman Sharma le apno sambodhan rakhnu hudai. उहाँले गाउँमा हर्टिकल्चरको रिसर्च अर्थात् अनुसन्धान कार्यको लागि लोकल ल्याङ्ग्वेजलाई यथासम्भव प्रयोग गर्नुपर्छ, फसल उठाउनको समयमा उन्नत प्रयुक्ति कृषकलाई संसाधन गर्नपर्ने अनि यथासम्भव कम मूल्यमा प्रयुक्ति उनीहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। We as a researcher also, especially in the Sikkim, we don't have a big establishment of research either in ICAR or in the universities. All are new. And even in the CAU also, it's just coming up. CAU, only one college, Agriculture Engineering College, is there. We may not be able to cater whole whatever the demand given by the farmers. Okay, all technology may not be generated here, but few technologies are really here. Even in the College of Agriculture Engineering also, lots of farmers friendly technologies have been generated. And being in the academic institute, we are little bit updated with the new technology. So it is good that always, even if it is only theoretical, we should at least interact with the extension functionaries, because in the extension we know that because of a very very hectic schedule, it's not easy to just. Read every day reading and just that compiling that and take it to the farmers field, because that cannot happen. So the role to be played by the colleges and the university is very very important for improvement or for taking the technology to the farmers field. Horticulture College का Dean Professor PP Dabral ने बताउनु भयो कि कलेज को नया बिल्डिंग 2015 में बर्मियोक दक्षिण सिक्किम में बनी सकिएको र यहाँबाट भविष्य में हर्टिकल्चर महाविद्यालय संचालन होने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्बोधन में भन्नुभयो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अनि बिक्री बजार कृषकलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि पुष्टि गर्नुभयो। हम लोगों ने इस कॉलेज में दो बैच अभी तक निकाल चुके हैं। हम लोग दो बैच हमारे हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर के निकल चुके हैं। तीन बैच निकल चुके हैं और अभी भी हमारे जो हमारा जो इंट्रैक्शन जो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का स्टेट डिपार्टमेंट से अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। हम लोग को ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसका मेन उद्देश्य ये था कि स्पेशली हम लोग लाइन डिपार्टमेंट और हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं एटलीस्ट वो हम लोग के बारे में जाने कि हम लोग हॉर्टिकल्चर कॉलेज सिक्किम में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एक जगह मुझे पता चला कि किसी ने बोला कि क्या सिक्किम में हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। एक किसी हमारी यूनिवर्सिटी मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के एक ऑफिशियल्स को हमने बुलाया था, तो वहाँ पर हमारी मिस मैडम दीपिका शर्मा ने हमारा रिसर्च एक्सटेंशन प्रोग्राम प्रेजेंट किया पहली बार। तो उन्होंने कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि सिक्किम में जो है हॉर्टिकल्चर कॉलेज है कि नहीं है। तो अभी हमारे इस यूनिवर्सिटी का जो है क्या कहते हैं 12, 13, 14 में इंटरव्यू हैं
और हो सकता है अगले महीने तक कोई नए डीन अपॉइंट हो जाएं। इससे पहले शर्मा जी यहाँ आए थे, करीब 1.5 साल तक रहे, उस समय उतना डेवलपमेंट वर्क नहीं था। तो अभी जो नए डीन आ जाएंगे वहाँ पे, तो हो सकता है कि इस साल ये कॉलेज जो है वहाँ एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि वहाँ के कॉलेज के लिए हम लोगों ने मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जितना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी, मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में सब कुछ खरीदने की कोशिश की है, और वो कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ अभी हमारे पास है जिसको हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। फ्यूचर में भी वहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए हम लोगों के पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा काफ़ी कुछ जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं वहाँ पे। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रक्रिया रहेगी इस कॉलेज के डेवलपमेंट में, कुछ अपॉइंटमेंट्स करने हैं वहाँ पे, और कुछ प्रोफेसर्स की 6 पोस्ट अभी दी है सिक्किम गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कार्यशाला में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मेजर फ्रूट्स क्रॉप्स ऑफ सिक्किम विषय में सिक्किम यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर विभाग का प्रमुख लक्ष्मण शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने भा। दिस इज अ मेजर प्रैक्टिस इन द फ्रूट क्रॉप्स। दुईताले हुन्छ मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स को। इट डिपेंड्स अपन व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, किनभने ओरेंज में तपाई को नेक्स्ट इयर को फ्लावरिंग को लागि बड डिफरेंसिएशन शुरू भइसकेको हुन्छ। तपाईले हार्वेस्ट गरिसक्दा भित्रबाट नेक्स्ट इयर को फ्लावर को बड आउँदै गरेको हुन्छ, त्यति बेला उसलाई एकदमै न्यूट्रिएन्ट जरूरी हुन्छ। अनि हार्वेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, उनीहरूले एकदम न्यूट्रिएन्ट एडजस्ट गरिसकेको हुन्छ, त्यो फल पाकेको फल बढ्दाखेरि एकदमै बेसी न्यूट्रिएन्ट लिइसकेको हुन्छ। सो एट द इवन इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग अफ एनी क्रप्स, इफ इट इज अ पेरिनियल क्रप लाइक मैंगो होस्, जुनसुकै होस्, किवी फ्रुट्स होस्, वी हेभ टु एप्लाई द 5 ईयर मेन्योर हो, और दिस वन वर्मी कम्पोज एन्ड अल। सो देन आफ्टर 7 इयर्स इट इज स्टैटिक, दे आर सेइंग नीम केक इज कंपलसरीली गिवन हियर, एंड सोयल अमेंडमेंट यू कैन सी दैट इन एवरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इन एवरी क्रॉप्स पीपल हैव गिवन, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया 100 to 200 ग्राम ऑफ डोलोमाइट पर प्लांट। दिस इज फॉर करेक्शन ऑफ योर पीएच, बिकॉज आवर पीएच ऑफकोर्स वी हैव टू टेस्ट आवर सॉइल, तर इन जेनरल वी हैव अ एसिडिक सॉइल, त्यही भनेर डोलोमाइट एवरी इयर हाल्नु पर्दैन, अल्टरनेट इयर्स मे बी आफ्टर 2 to 3 इयर्स वी हैव टू पुट, तर पहिला पिटमा चाहिँ हाल्नै पर्छ, पिट खनेर विथ काउडङ एन्ड अल इफ यू मिक्स इट द सॉइल करेक्शन या। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल, और इस परिस्थिति में हमारा नेपाली भाषा है उसने बहुत आगे 6th शेड्यूल में ये स्थान प्राप्त किया है। और जब मैं आसाम में था तो सभी ये लोकल प्रोग्राम लोकल लैंग्वेज में हुआ करता था, और बंगाल में भी जितना भी प्रोग्राम है वो लोकल लैंग्वेज में ही हुआ करता था। तो मैं 4 साल आसाम में बैठा, मैंने आसामीज अच्छा से सीख लिया और बंगाली भी मैंने सीख लिया। र मेरो भन्नु को तात्पर्य के भने, आप लोग यहाँ हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग भी थोड़ा नेपाली सीख लें, और हमारा जो गांव में फार्मर्स लोग बैठा है वो लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी तो जानते हैं, लेकिन सब लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है। तो हम जो टेक्नोलॉजी देते हैं, जब हम इंग्लिश में देते हैं तो वो लोग को उतना अच्छा से ले नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरा गुजारिश है आप लोग थोड़ा नेपाली में भी कुछ सीखिए, यहाँ का एडवांटेज ले लीजिए। र तपाईहरुलाई विशेष म के भन्न चाहन्छु भने, मैले नेपालीमा भन्नुको कारण के हो भने, तपाईहरुले सजिलैसँग, हुन त तपाईहरुले इंग्लिस बुझ्नुहुन्छ किनभने सबैले इंग्लिसबाट पढेर आउनु भएको, तर जब तपाई फार्मर्स फिल्डमा जानुहुन्छ तपाईहरुले इंग्लिसमा अथवा हिन्दीमा भन्नुभयो भने फार्मर्सहरू हाम्रो अलिकति अझै पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा टेक्नोलोजी लिन सक्नुहुन्न। र तपाईहरुले विशेष गरेर
हाम्रो फार्मर्सहरूलाई आफ्नो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूले बेसी बुझ्नुहुन्छ। र यो जुन उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजलाई यो ब्युटिफुल ट्रेनिङ उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो 5 दिनको, र यो 5 दिनमा तपाईँहरूले राम्रो सिकेर, किनभने यो यहाँ कलेजमा म आउनुको मुख्य उद्देश्य के पनि हो भने, भर्खरै यहाँ हाम्रो डिन साहब, हाम्रो सिएम साहबको एउटा प्रोग्राम थियो इनागुरेसन अफ टेरेस फार्मिङ एन्ड भर्टिकल गार्डन हाइड्रोफोनिक्स एक्वाफोनिक्सको जुन प्रोग्राम थियो त्यहाँनिर जानुभएको थियो, र त्यहाँ जाँदाखेरि र अस्ति मैले एउटा न्युज पेपरमा पनि पढेको थिएँ, उहाँहरूले एउटा इस्कुसको पापड बनाउने जुन ट्रेनिङ दिनुभएको छ अरे, र त्यो ट्रेनिङ मलाई एकदमै, म त्यो ट्रेनिङ विषय जान्न उत्सुक थिएँ, किनभने तपाईँहरूलाई याद छ तपाईँहरू गाउँबाट आउनुभएको, र हाम्रो इस्कुस एउटा हाम्रो 3 सिजनको क्रप हो, यसले फार्मर्सको सब्जीको 3 सिजन रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ। एउटा यसको हामी मुन्टा खान्छौँ टेन्डर सुट, अर्को हामी फ्रुट खान्छौँ र अर्को हामी रुट खान्छौँ, र यसलाई हामीले हाम्रो गाउँले भाषामा पुअर मेन्स भेजिटेबल भन्दा पनि अन्यथा हुँदैन, किनभने प्रत्येक घरको इभन बिपिएल फ्यामिलीको घरको पनि उहाँले 1.5 क्विन्टल इस्कुस फलाउने गर्छ, र त्यसलाई भ्यालु एड गरेर हामीले अन्य ठाउँहरूमा मार्केटमा निकाल्न सक्यौँ भने हाम्रो कृषकहरूको उत्थान हुन्छ। र एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, कृषि पेसा वैसे भी अभी कृषि पेसा लेने के लिए कोही भी तयार नहीं है, कोही भी कृषि पेसामै नै जान चाहते हैं, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफिसर नेता पाइलट बनना चाहते हैं, क्योंकि कृषि में मेहनत है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मिट्टी में लड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ उगता है, तो उसको बेच के उसको कुछ फायदा होता है। तो हमारा आगे में हमारा जितना भी राइटर लोग ने भी ये फार्मर्स का जो कथा लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है, किसी एक ज़माने में एक गरीब कृषक था, उसका 4 बेटा था अथवा 4 बेटी था, ऐसा हम लिटरेचर में भी पढ़ने को मिलता है। तो सबको मालूम होता है अगर पेशा ही गरीब है तो उस पेशा में क्यों जाना, कोई नहीं जाना चाहता है। तो हम लोग, आप लोग साइंटिस्ट बैठा है, हम लोग भी डिपार्टमेंट का आदमी है, आप लोग गाँव का साइंटिस्ट है, तपाईहरु चाहिँ गाँव को साइंटिस्ट हो, तपाईहरु टप साइंटिस्ट हो आफ्नो आफ्नो गाँव को आफ्नो आफ्नो ब्लक को, र तपाईहरुले चाहिँ त्यो पेसालाई चाहिँ कसरी धनी बनाउने, त्यसलाई कसरी सस्टेनेबल मा परिणत गर्ने, त्यस विषयमा त्यस दिशामा तपाईहरुले काम गर्नुभयो भने यो पेसा पनि कुनै दिन सबै पढे लेखेको एजुकेटेड युथहरूले अप्नाउने एउटा पेसा बन्दछ। धन्यवाद ज्ञापन एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर हौविजम सञ्जिता देवीले राख्नका साथै कार्यक्रम समापन गरियो। यतिन्जेल प्रस्तुत थियो गत 7 मार्च 2022 दिन रानीपुल स्थित हर्टिकल्चर महाविद्यालयमा इम्प्रुभ प्रोडक्सन टेक्नोलोजी एन्ड पोस्ट हार्वेस्ट अफ हर्टिकल्चर क्रप विषयमा 1 दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममाथि विशेष टिभी रिपोर्ट।